गाजीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली, आरोपियों के परिजनों ने बोला झूठ है। मामला निष्पक्ष जांच की मांग। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गाजीगढ़ गांव में सोमवार की देर शाम एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चार युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर केस दर्ज होने के बाद आरोपियों के परिजन मंगलवार को SP ऑफिस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने गोवर्धन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण को झूठा बताते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कराए जाने का आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। जानकारी के अनुसार धीरज सिंह वर्मा ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच दीपू धाकड़ के घर पर गांव का ही अर्जुन उर्फ कार्लू बघेल पुत्र राय सिंह बघेल निवासी गाजीगढ़ शराब पीकर आया और गाली गलौज करने लगा, लेकिन दीपू धाकड़ के परिजनों ने दरवाजा बंद कर लिया और दीपू ने थाना प्रभारी गोवर्धन को घटना की फोन पर सूचना दी कि अर्जुन उर्फ कालू बघेल शराब पीकर गाली गलौज कर रहा है, लेकिन पुलिस नहीं आई एवं साथ ही दीपू धाकड़ ने अर्जुन उर्फ कालू बघेल के पिता राय सिंह को फोन लगाया कि तुम्हारा लड़का शराब पीकर गाली गलौज कर रहा है। तब अर्जुन उर्फ कारू के परिवार के शिषपाल बघेल एवं भगवान सिंह मोटरसाइकिल से आया और करीब 8:30 बजे सभी गांव वालों के सामने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए, जिसके बाद उन्हें मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि थाना गोवर्धन में दीपू धाकड़, मुकेश धाकड़, गजेंद्र धाकड़ और राजेंद्र धाकड़ के खिलाफ अर्जुन बघेल को गोली मारने के आरोप में 307 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। धीरज ने बताया कि अर्जुन बघेल ने अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक गांव के 4 लोगों पर झूठा केस दर्ज कराया है। सोमवार की शाम हुए विवाद के दौरान बनाया गया वीडियो और पंचनामा SP ऑफिस में देकर आरोपियों के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। धीरज सिंह वर्मा, कहाँ से आए हो आप? ग्राम गाजीगढ़ से। क्या समस्या लेके आए हो? वो मेरे गांव में कल एक विवाद हो गया था मेरे भाई के साथ में, तो उसके लिए आवेदन देने आया हूँ। उन्होंने वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया मेरे भाई के ऊपर। एक लड़का है अर्जुन बघेल के नाम से, जो इसमें एक और दारू का नशा करके आया था और उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा था, बहुत देर तक देता रहा, लेकिन हमने कोई किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद हमें सुबह पता लगा कि उसने हमारे खिलाफ FIR करवा दी है 307 की। पुलिस द्वारा आपने बुलाया नहीं था पुलिस को कि आप लोग आए? हाँ, हमने शाम को पुलिस को, जब वो गाली गलौज कर रहा था, हमने तीन बार तीनों दरोगाओं को फोन लगाया था, छोटे को लगाया, धीमान को लगाया और राघवेंद्र बघेल यादव जी को भी लगाया, तो पर वो आए नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि सुबह देखेंगे हम। अच्छा, वो नहीं आए। और फिर रात में जब FIR हो गई थी तब सुबह हमको पता लगा। कितने लोगों में मामला दर्ज किया है? मामला 4 लोगों पर किया गया है। इसमें मेरे बड़ा भाई है, एक इनके बच्चे हैं छोटे, और 2 लड़के गाँव के और हैं। और बल्कि वहाँ पे जो उपस्थित कई लोग थे, इनका नाम, मेरे भाई का नाम मुकेश धाकड़ है, इनके लड़के का नाम दीपू धाकड़ है, और 2 लड़के और हैं, राजेश धाकड़ और गजेंद्र। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं स्पष्ट जांच की जाए, घटनास्थल पर जाके गांव में, वहाँ पे 500 लोग, 1000 लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे जाके पूछे हैं उनसे, लोगों से, कि यहाँ पे जो घटना जिन्होंने जो बताई है FIR में, वो घटना वहाँ पे रियल में घटित हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच की जाए। अच्छा, उसकी गोली लगी है, वो बता रहे थे गोली लगी। अब इसकी जानकारी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो दी नहीं है गोली। अब जिसे, अब उसको भी पता होना चाहिए, उसको पुलिस जाँच है, उसे पूछे कहाँ गोली लगी, कैसे लगी। और वहाँ पे हमारे घटनास्थल पर आके पुलिस पूछे, पूछताछ करे लोगों से, जो वहाँ पे 1000 लोग थे, लेट जाती, बच्चे थे, लोग बाग थे, मंदिर बना, मंदिर है वहीं पे, हम तो वहीं रहते हैं, तो हमारा तो घर है, हमारी दुकान है परचुने की, तो उसमें भाई साहब बैठे थे हमारे, वो वहीं पे बस उसने वैसे ही नाम लिखवा दिया रैंडम किसी। झूठा मामला दर्ज? हाँ, मतलब किसी ने क्या है कि किसी ने वैमनस्यता के तहत नाम दर्ज करवाया। आप मुकदमे की जाँच के लिए जो आप? हाँ, मुकदमे की जाँच के लिए हम आए हैं।